हाय गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ प्रॉपरली कि कोरियन स्किन ग्लास कैसे पाया जा सकता है। सो यस, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टिमिस्टिक ऑलवेज विद अ जेड इन द एंड एंड आई एम शिप्रा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो। फॉलो मी ऑन माई फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम पेज, आपको हैंडल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो यस, मैं आपको यही बता रही थी कि कैसे कर सकते। सो इट नीड्स यू नो सीरीज ऑफ स्टेप्स, बट मैं जितना सिंपल हो पाया है इसको रखी हूँ। स्टिल ये बहुत सारे स्टेप्स में ही आता है और बहुत शॉर्ट में जाओगे तो फिर कोरियन स्किन ग्लास रूटीन नहीं आपको लाइक प्रॉपरली फॉलो नहीं हो पाएगा। सो यस, मैंने अपने बालों को एंड ऑल ऊपर कर दिया और आगे मैं आपको बस प्रोडक्ट्स क्या क्या मैं यूज कर रही हूँ। एंड मैंने कोशिश किए हैं कुछ कुछ जगह पे यू नो घर के प्रोडक्ट्स यूज करने के। सो एंड कुछ कुछ यू नो मेजोरिटी प्रोडक्ट्स तो यूज करने ही पड़ेंगे बाहर के। सो जो भी है, मैंने इसको जितना अफोर्डेबल हो पाया मुझसे बनाया है। और आप यू नो जरूरी नहीं है यही प्रोडक्ट्स यूज करो, जो आपको प्रोडक्ट सूट करते हैं उस हिसाब से आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट बदल सकते हो। कोई क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करो, मैं रिप्लाई जरूर दूंगी। एंड यस, अब कोरियन ग्लास स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं और यू नो मेरे चेहरे पर जो थोड़ा बहुत मेकअप एंड डर्ट है वो मैं हटा के वापस आती हूँ। उसके बाद मैं आपको वॉइस ओवर दूंगी एंड उसके बाद वीडियो स्टार्ट करेंगे। बाय गाइस, मीट यू सून। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे बन तो बना लूँगी, मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद मैं पहला फेस वॉश यूज़ करूँगी। दिस इज़ फ्रॉम एल्प्स गुडनेस स्विस लव, दिस इज़ एप्पल क्लिनजिंग फेस वॉश। ये 100 ml की पैकेजिंग में आता है एंड इट रिमूव्स ब्लैक हेड्स, प्रिवेंट्स फेस ब्लेमिशेस एंड इट प्रोवाइड्स सूदिंग एंड कामनेस टू आर फेस। एंड इन सबका जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं ये फेस वॉश लगा लूँगी एंड उसके बाद आई विल जस्ट वॉश माय फेस। आप देख सकते हो मैं प्रॉपरली फेस वॉश कर रही हूँ। सो इसके बाद लगाने के बाद आई लाइक प्रॉपरली वॉश माय फेस एंड देन आई विल पैट माय फेस ड्राई। सो यस, मैंने ये कर लिया। अब मैं सेकेंड यहाँ पे जो फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम मोदी केयर। दिस इज़ मोरक्कन आर्गन ऑयल क्लिंजर, दिस इज़ मेंट टू मॉइस्चराइज एंड क्लिंज एंड इट इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप्स। सो ये 200 ml की पैकेजिंग में आता है एंड यहाँ पे मैं दो फेस वॉश इसलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज कोरियन रूटीन में यू नो आपको इस तरीके से ही यूज़ करना होता है। कोई भी ऑयल क्लिंजर आपको दो बार यूज़ करना है, यू नो जो फर्स्ट टाइम में आपके फेस पे डर्ट रह गई हो वो भी चली जाए। द रीज़न इज़ दिस। सो यहाँ पे मैंने इसको वॉश करके पैट ड्राई कर लिया। थर्ड मैं यूज़ करूँगी स्क्रब। सो यहाँ पे जो मैं स्क्रब यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम लोटस हर्बल्स वाइट लो ओट मिल एंड योगर्ट स्किन वाइटनिंग स्क्रब। इट एक्सफोलिएट्स एंड ब्राइटन्स स्किन फॉर अ हेल्दी ग्लो। इट इज़ मेंट फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड मैं इसको अभी यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और थर्ड स्टेप है ये हमारा। सो यू शुड स्क्रब 2 times a week, नॉट मोर देन दैट। सो मैं यहाँ पे प्रॉपरली आप देख सकते हो स्टेप्स, आप सारे यू नो स्टेप्स पे देखना कि मैं किस तरीके से अपने फेस को यू नो क्लीन कर रही हूँ या फिर मसाज कर रही हूँ उसी तरीके से आपको करना है। एंड ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद भी आपको सेम चीज़ करना है, यू नो यू हैव टू जस्ट वॉश योर फेस एंड पैट इट ड्राई। फोर्थ में मैं यूज़ कर रही हूँ टोनर। आप जानते हो कोरियन स्किन केयर रूटीन में टोनर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे टोन फॉर 7 times। सो आपको भी वही करना है। और जब यू नो एक्सेस हो जा रहा है तो मैं एक कॉटन पैड की हेल्प से उसको डैप डैप करके स्किन के अंदर पेनिट्रेट होने दे रही हूँ। एंड आपको स्किन को बिल्कुल भी रब करके टोनर निकालना नहीं है, यू जस्ट हैव टू टैप टैप जब यू नो ज़्यादा हो जाए आपको लगे। सो आई एम यूजिंग गुड वाइब्स क्यूकम्बर ग्लो टोनर यहाँ पर। सो धीरे धीरे आपको 7 times इसको यूज़ कर लेना है एंड 7 times यूज़ करने के बाद आपका हाइड्रेशन का स्टेप जो है एक स्टेप वो कंप्लीट होता है आपने जब 7 times टोन कर लिया। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एसेंस बना रही हूँ। सो यहाँ पे मैं एसेंस अपने पाम पे बनाऊँगी यूजिंग एलोवेरा जेल एंड ऑरेंज जेल। सो यहाँ पे ऑरेंज जेल मैं ले रही हूँ जितनी क्वांटिटी में ज़रूरत है एंड उसको मैं इस तरीके से मिक्स करके अपने फेस पे प्रॉपरली लगाऊंगी।
एक्चुअली एसेंस होता है विच इज़ अप्लाइड बिटवीन टोनर एंड सिरम, सो प्रोबेबली इट्स लाइट वेट देन सिरम्स. सो इसीलिए यहाँ पे बहुत ही ये बहुत लाइट वेट है और ये आपकी स्किन में थोड़ा सा आप मसाज करोगे तो ही पेनेट्रेट हो जाएगा. सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इस तरीके से जैसे मैं हर स्टेप में दिखा रही हूँ आपको मसाज करना है फॉर 2 to 3 minutes. थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट द एंड रिजल्ट इज ऑसम. सो यस, यहाँ पे मेरा एसेंस का स्टेप कंप्लीट होता है. सिरम बना रही हूँ मैं नेक्स्ट स्टेप में, अपने 6th स्टेप में. उसके लिए मैं एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ, देन मैं थोड़ा सा ऑरेंज जेल यूज़ कर रही हूँ. आप क्वांटिटी अपने हिसाब से बना सकते हो, मैं सिर्फ 1 to 2 times के लिए बना रही हूँ. सो उस हिसाब से आई एम यूजिंग क्वांटिटी. मैं यहाँ पे ग्लिसरीन यूज़ कर रही हूँ एंड देन मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ. जो भी ब्रांड का मैंने यूज़ किया है आपको लिंक में मिल जाएगा. मैं थोड़ा सा रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ एंड देन मैं इसको सिर्फ मिक्स 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 करूँगी जब तक ये फुल्ली यू नो सिरम की कॉन्सिस्टेंसी में ना आ जाए. सो इसको आप देख सकते हो मैं प्रॉपरली मिक्स करूँगी और जब ये सिरम की कॉन्सिस्टेंसी, ये देखो कितना ब्यूटीफुल कलर आया सिरम का. सो मैं इसको सिरम के तरीके से अपने फेस पे मसाज करूँगी फॉर 2 to 3 minutes या जब तक ये पेनिट्रेट ना हो जाए आपकी स्किन में प्रॉपरली. और जो स्टेप्स बता रही हूँ मैं हर बार बोल रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से देखना, आपको बहुत यूज़ आएगा. सो इस तरीके से मैं सिरम को अपने स्किन में पेनिट्रेट होने दे रही हूँ थ्रू मसाज, मसाज कर करके. सो यहाँ पे मेरा सिरम का स्टेप चल रहा है, 6th स्टेप चल रहा है. सो सिरम हो जाने के बाद, सिरम का स्टेप यू नो कंप्लीट हो जाने के बाद आपको शीट मास्क लगाना है. आप घर पे ही बना सकते हो, अगर आपको घर का शीट मास्क चाहिए तो मुझे बोलना. दिस शीट मास्क इज़ फ्रॉम फेस शॉप, रियल नेचर लेमन फेस मास्क, 20 ग्राम के पैकेजिंग में आता है. सो इस तरीके से मैं इस फेस मास्क को लगा लूँगी एंड देन 15 to 20 minutes आई कीप इट. एंड उसके बाद मैं इस फेस मास्क को इस तरीके से हटा लूँगी. सो 20 मिनट्स होने के बाद जो यू नो इसका जो सिरम बच जाता है इस फेस मास्क का, वो आपको अपने स्किन में पेनिट्रेट होने के लिए मसाज करना. एंड इफ़ यू वांट, मुझे अच्छा लगता है मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ करूँ अपने फेस के लिए, आपको जैसे अच्छा लगता है आप कर सकते हो. और इसी के साथ हमारा कोरियन ग्लास स्किन केयर रूटीन जो है वो एंड होता है. सो यस गाइज, फॉलो मी एवरीवेयर, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, बी हैप्पी गाइज, बाय बाय.